देश के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भी कई ऐसे नाम हैं इस तरह के, जो ये सारे महारथी एकजुट हो जाएंगे तब तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगी। देखिए 2024 के बाद इस देश से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका सफाया तय है। अपने आप को बचाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो एक शेर है ना, नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो आपका खुदा मोदी का हामी है? हामी है, बिल्कुल है। इसलिए तो सब एकजुट हो गए हैं। आइए जुटे हैं तो ये देश के लिए नहीं जुटे हैं, अपने मुफाद के लिए जुटे हैं, अपने काले करतूत को छिपाने के लिए जुटे हैं, क्योंकि शिकंजा सब पर कसता चला जा रहा है। ये जो यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान जो जुटे हैं उनका मानना ये है कि खुदा नरेंद्र मोदी का हामी है, लिहाजा 2024 की जो ये कसरत हो रही है वो उस दौर में नरेंद्र मोदी को फिलहाल पटखनी देना या उन्हें हराना बेहद मुश्किल है। बिहार के एम फैक्टर को देखा जाए तो मुस्लिम आबादी 17% है। राज्य की 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है। तो अभी हम पहुंचे हैं पटना के आलमगंज इलाके में, खासकर पटना सिटी का इलाका है और बड़ी संख्या में यहाँ मुसलमानों की आबादी है। और सवाल वही है कि आखिर 9 साल पूरे हुए मोदी सरकार के और सबका साथ सबका विकास तमाम योजनाएं और पटना में विपक्ष का महाजुटान, इन लोगों का जो विपक्षी लोगों का जो मानना है कि भाई इनको मुसलमानों को डराना है कि भाजपा जो है आएगी तो भाला से मारेगी, भाजपा आएगी तो संघ आएगी तो आपको काट डालेगी, ऐसे डरा करके जो वोट इकट्ठा करने के लिए जो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर जो करने का जो प्रयास और आज भी लगे हुए हैं इस प्रयास में, ये सब विफल हो गया। अब मुसलमान समझ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का जो कार्यकाल उन्होंने देखा, लाइव देखा, उसके साक्षी हम स्वयं हैं कि भाई पूरे देश में कहीं किसी प्रकार की कोई दंगा नहीं हुई, पूरे देश में किसी प्रकार के मुसलमान के साथ उस तरह का भेदभाव नहीं किया गया। क्या मुसलमान समझते हैं इन तमाम मसलों को, मसाइलों को? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, अब समझ गए हैं, अब डरने वाले नहीं मुसलमान, कोई डरा के पलटी मरवा दीजिएगा, सब बात समझ गए हैं। मुसलमान पूरी तरह भाजपा के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मदरसा का अधिकरण करने वाला भाजपा है, 6,77,00,000 मदरसा के लैपटॉप में दिए जाए, कौन दिया आज तक? कहा मोदी जी बोले भाई वहाँ कंप्यूटर भी होगा, साइंस भी होगा, उर्दू अरबी भी होगा, सब कुछ होगा, बढ़िया, सब फील्ड में माहिर बनिए, क्या चाहिए सर? जुटान हो रहा है विपक्ष का, ये हवा हवाई हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काज कर रहे हैं और आगे भी 2024 में प्रधानमंत्री फिर से दोबारा बनेंगे, ये जब निश्चित है। और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये माननीय प्रधानमंत्री का नारा है, ये बहुत ही अच्छा है। और मुसलमानों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने बोले थे एक हाथ में कुरान रहेगा एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा, इसलिए आज बच्चा लोग भी मुसलमान को भी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं।